भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज निम्न में से कौन सा है? मेफ्लावर, बंगाल, रेड ड्रैगन, एलिजाबेथ। मेलिस्कोट जहाज का निर्माण 1595 में कम्बरलैंड के तीसरे अर्ल जॉर्ज क्लिफोर्ड ने करवाया था। बाद में इस जहाज को ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 ईस्वी में खरीद लिया और इसका नाम बदलकर रेड ड्रैगन रख दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इस जहाज से भारत की करीब 5 यात्राएं की गईं और ये भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज बना। बाद में 1619 में डच लोगों के साथ हुए युद्ध में ये जहाज डूब गया। क्या आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? कमेंट बॉक्स में बताएं। भागलपुर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? ब्राह्मणी, गंगा, चंबल, अड्यार। अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाने वाला भागलपुर बिहार राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी यहीं पर स्थित है। भागलपुर शहर गंगा नदी के किनारे बसा है। 2500 किलोमीटर लंबी गंगा के किनारे स्थित कुछ प्रमुख शहरों में ऋषिकेश, हरिद्वार, फर्रुखाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बक्सर, बलिया, पटना, हाजीपुर, मुंगेर आदि आते हैं। क्या आपको पता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। फुनान निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? लाओस, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा। प्राचीन चीनी भूगोलविदों ने 1वीं से 6वीं शताब्दी के बीच दक्षिण पूर्व एशिया में मेकोंग नदी के डेल्टा क्षेत्र के साम्राज्य को फुनान नाम दिया। फुनान का चीनी भाषा में मतलब होता है पर्वतों का साम्राज्य। प्राचीन समय में फुनान पर भारतीय संस्कृति का बहुत ही ज्यादा प्रभाव था। इस इलाके में हिंदू और बौद्ध सबसे बड़े धर्म हुआ करते थे। आज फुनान के हिस्से 3 देशों कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम में आते हैं। क्या आपको पता है कि कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम की राजधानी और मुद्राओं के क्या नाम हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? 50A, 51A, 49A, 52A। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 4A में जोड़कर अपनाया गया। इन कर्तव्यों की प्रेरणा हमें रूस के संविधान से मिलती है। शुरुआत में इसमें 10 कर्तव्य हुआ करते थे, लेकिन बाद में सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन से इसमें एक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। ये सभी 11 कर्तव्य अनुच्छेद 51A में दिए हुए हैं। ये सभी कर्तव्य नीति निदेशक तत्वों की तरह नॉन जुडिशिएबल हैं। क्या आपको पता है कि 86वें संशोधन से जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य किस चीज़ से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा निम्न में से किसने आरंभ की? कर्जन, बेंटिक, डलहौजी, मैकाले। भारत में यूरोपियन पद्धति में शिक्षा देने की शुरुआत 1542 में गोवा के सेंट पॉल कॉलेज खुलने के साथ हो गई। बाद में 1813 के चार्टर के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शिक्षा देने के लिए ईसाई मिशनरियों को सहायता देना जरूरी कर दिया गया। आगे आने वाले सालों में ब्रिटिश शिक्षण पद्धति धीरे धीरे बढ़ती रही। बाद में मैकॉले ने कामकाज की भाषा को फारसी से बदलकर अंग्रेजी कर दिया और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 पास किया। इसके बाद मैकॉले के प्रयासों से ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा बड़े स्तर पर दी जाने लगी। क्या आपको पता है कि वुड्स डिस्पैच किस चीज़ से संबंधित था? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किसे यूरोप का कॉकपिट नाम से जाना जाता है? स्पेन, बेल्जियम, तुर्की, स्विट्जरलैंड। बेल्जियम अपनी सीमा को जर्मनी, फ्रांस और लक्समबर्ग से साझा करता है। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स में काफ़ी जानी मानी संस्थाओं के मुख्यालय हैं। वैसे तो बेल्जियम हमेशा से ही शांतिप्रिय देश रहा है, लेकिन फ्रांस और जर्मनी की आपसी दुश्मनी की वजह से यहाँ पर यूरोप की सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं। दरअसल जब भी फ्रांस को जर्मनी या जर्मनी को फ्रांस पर आक्रमण करना होता था तो वह बेल्जियम के रास्ते से ही करते थे। इन्हीं वजहों से इसे यूरोप का कॉकपिट बोला जाता है। क्या आपको पता है कि ब्रुसेल्स में किन महत्वपूर्ण संस्थाओं के मुख्यालय हैं?
कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ निम्न में से किस वायसराय के काल में हुआ? कैनिंग, डलहौजी, रिपन, एल्गिन। भारत में बजट की शुरुआत जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में की गई थी। भारत में बजट की शुरुआत के अलावा विल्सन को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और द इकोनॉमिस्ट मैगजीन की शुरुआत करने के लिए जाना जाता है। विल्सन को 1857 की क्रांति के बाद चरमरा रही आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए लॉर्ड कैनिंग के काउंसिल का वित्त सदस्य बनाकर भेजा गया था। विल्सन का बजट इंग्लैंड में पेश होने वाले बजट के मॉडल पर आधारित था। भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। क्या आपको पता है कि लॉर्ड कैनिंग के समय घटित होने वाली प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। शिलाकृत बौद्ध स्थापत्य निम्न में से किस जगह नहीं पाया गया है? नासिक, कार्ले, नागार्जुनकोंडा, अजंता। नासिक में हीनयान से जुड़ी पहली से तीसरी शताब्दी के बीच की 23 बौद्ध गुफाएं हैं जिनको त्रिरश्मि लेणी बोला जाता है। महाराष्ट्र में लोनावला के पास स्थित कार्ले में भी दूसरी से पांचवीं शताब्दी के बीच बनी गुफाएं मिलती हैं। औरंगाबाद की अजंता की गुफाएं तो विश्वविख्यात हैं, इन्हें विश्व धरोहर का दर्जा भी मिला है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में केवल आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुनकोंडा में ही शिलाकृत बौद्ध स्थापत्य नहीं मिला है। क्या आपको पता है कि नागार्जुनकोंडा और बौद्ध धर्म का क्या संबंध है? कमेंट बॉक्स में बताएं। सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि निश्चित करने में निम्न में से कौन सा व्यावहारिक रहा है? ऑप्शन वन, सिंधु स्थल पर पाई गई मेसोपोटामिया की मुहर। ऑप्शन टू, मेसोपोटामिया में पाया गया हड़प्पा का मुहर। ऑप्शन थ्री, भारत में आर्यों का आगमन। ऑप्शन फोर, उत्तर हड़प्पा की बर्तन निर्माण कला। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें अब तक 3500 से भी ज़्यादा मुहरें मिल चुकी हैं। ये मुहरें सामान्यतः चौकोर हैं। इनमें सबसे ऊपर कुछ चिन्ह बने होते थे, बीच में किसी जानवर की आकृति होती थी और सबसे नीचे कुछ और चिन्ह बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता की ये मुहरें केवल हड़प्पा के स्थलों से ही नहीं मिली हैं, बल्कि इनको मेसोपोटामिया में भी पाया गया है। मेसोपोटामिया से मिली मुहरों से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के समय का सही से पता चल पाया था। क्या आपको पता है कि मेसोपोटामिया की सबसे महत्वपूर्ण नदी का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत के प्रधानमंत्री का आवास साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? अनुग्रह, चित्रकूट, पंचवटी, पीएम निवास। प्रधानमंत्री आवास को साधारण रूप से सात लोक कल्याण मार्ग नाम से जाना जाता है। इसका नाम कुछ सालों पहले तक सेवन रेस कोर्स रोड हुआ करता था, लेकिन ये दोनों ही प्रधानमंत्री आवास का आधिकारिक नाम नहीं है। दरअसल 12 एकड़ में फैले और 5 बंगलों से मिलकर बने हुए प्रधानमंत्री आवास को पंचवटी बोला जाता है। पंचवटी का निर्माण 1980 में शुरू हुआ था और 1984 में राजीव गांधी इसमें रहने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। क्या आपको पता है कि राजीव गांधी कुल कितनी बार प्रधानमंत्री बने? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किसने ब्राह्मण की सर्वोच्चता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया? कायस्थ, ब्रह्मक्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में राजमहलों में किताबों को लिखने और चीजों को रिकॉर्ड करने जैसे काम कायस्थ लोगों के द्वारा किए जाते थे। कायस्थ लोगों की शिक्षा ब्राह्मणों की तरह ही होती थी। इन लोगों की अच्छी शिक्षा की वजह से इनकी संख्या दरबारों में बढ़ती जा रही थी और 12वीं शताब्दी आते आते इनकी संख्या ब्राह्मणों से भी ज़्यादा होने लगी। इस तरह कायस्थ लोगों ने ब्राह्मणों की सर्वोच्चता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। क्या आपको पता है कि वर्ण क्रम में कायस्थ किस वर्ण से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिकतम कितनी दूर हो सकता है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 2 किलोमीटर। भारत में चुनाव से संबंधित सारे नियमों को बनाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक से अधिक लोग मतदान करें, पोलिंग बूथ और मतदाता के घर की अधिकतम दूरी तय की है। भारत में होने वाले लोकसभा चुनावों में इस नियम के चलते 10 लाख से भी ज़्यादा पोलिंग बूथ बनाने पड़ते हैं।
यही नहीं, गिर जंगलों में रहने वाले एक पुजारी की वोटिंग सुनिश्चित करने के लिए जंगल में भी पोलिंग बूथ लगाया जाता है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन किस राज्य में लगाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। वैदिक काल में आर्य अनार्य जाति का संघर्ष निम्न में से किसके विरुद्ध होता था? भरत, त्रिस्तु, यदु, द्रुहिन। इस प्रश्न का उत्तर है भरत। ऋग्वेद के 7वें मंडल से हमें आर्य और अनार्य युद्ध का विवरण मिलता है। इस युद्ध को 10 राजाओं के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध आर्य भरत राजा सुदस और 10 अनार्य जनजातियों के बीच परुषिणी नदी के किनारे हुए थे। आज परुषिणी नदी को हम रावी नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में राजा सुदस को विजय मिली और कुरुक्षेत्र में कुरुवंश की स्थापना हुई। ये युद्ध क्यों हुआ था, इसके पीछे के कारणों का वर्णन हमें नहीं मिलता है। क्या आपको पता है कि ऋग्वेद में सरस्वती और यमुना नदियों को किन नामों से बुलाया जाता था? कमेंट बॉक्स में बताएं। एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? 3840, 2840, 5000, 6500। इस प्रश्न का उत्तर है 3840। भारत में किसी भी पोलिंग बूथ पर एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में लगभग 1500 वोट ही पड़ते हैं, लेकिन ये इसकी अधिकतम क्षमता नहीं है। ईवीएम की अधिकतम क्षमता 3840 वोट की होती है। किसी भी ईवीएम में अधिकतम 16 उम्मीदवारों के लिए वोटिंग हो सकती है। पहले 4 मशीनों को एक साथ जोड़कर 64 उम्मीदवारों का चुनाव करवाया जा सकता था, लेकिन नई मशीनों के आने के बाद अब 384 लोगों का चुनाव हो सकता है। क्या आपको पता है कि ईवीएम सबसे पहले किस देश में अपनाई गई थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किसने अब्बासी खलीफा से धार्मिक आज्ञा पत्र लिया? ऐबक, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश। इस प्रश्न का उत्तर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। 1206 में खोखरों के विद्रोह के समय उसकी असाधारण बहादुरी को देखते हुए उसे दास्ता से मुक्त कर दिया गया। बाद में उसकी शादी ऐबक की पुत्री से हो गई और वो आगे चलकर गुलाम वंश का राजा बन गया। राजा बनने के बाद अपने राज्य को धार्मिक मान्यता दिलाने के लिए उसने 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता पत्र प्राप्त किया और वो गुलाम वंश का पहला वैधानिक सुल्तान बन गया। क्या आपको पता है कि इल्तुतमिश के समय तुर्कान ए चेहलगानी क्या था? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत में ईवीएम को निम्न में से किसके सहयोग से तैयार और डिजाइन किया गया है? ऑप्शन 1, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन 2, डीआरडीओ एंड सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ऑप्शन 3, डीआरडीओ एंड राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इक्विपमेंट लिमिटेड। ऑप्शन 4, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड बीएचईएल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारत में ईवीएम की सबसे पहले बेसिक डिजाइन आईआईटी बॉम्बे के 2 प्रोफेसर्स ने बनाई थी। बाद में 1990 के दशक में इसे 2 सरकारी प्रतिष्ठानों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया गया। भारत के चुनावों में ये मशीन धीरे धीरे 1998 से 2001 के बीच प्रयोग होने लगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से पहले भारत में बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी, जिसमें काफ़ी समय लगता था और घपला होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा थी। क्या आपको पता है कि बूथ कैप्चरिंग क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किसे हरित क्रांति का पिता कहा जाता है? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीज कुरियन, इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है नॉर्मन बोरलॉग। अमेरिका के नॉर्मन बोरलॉग ने मैक्सिको के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक अर्धबोनी, ज्यादा उत्पादक और ज्यादा रोग प्रतिरोधी क्षमता वाली गेहूं की प्रजाति विकसित की। इस प्रजाति की बंपर पैदावार की वजह से मैक्सिको का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। बोरलॉग ने भारत और पाकिस्तान में भी खेती की नई तकनीकों के साथ ही साथ ज़्यादा उत्पादक किस्में उगवानी चालू की। उनके इन्हीं सब प्रयासों की वजह से उनको हरित क्रांति का पिता कहा गया है और इसके लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण भी दिया। क्या आपको पता है कि भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं।
महापाषाण संस्कृति हमें उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब पत्थर उपयोग किए जाते थे। ऑप्शन वन, अस्त्र बनाने के लिए। ऑप्शन टू, औजार और उपकरण बनाने के लिए। ऑप्शन थ्री, समाधियां और कब्रें बनाने के लिए। ऑप्शन फोर, दैनिक उपयोग की सामग्री बनाने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। महापाषाण संस्कृति दुनिया भर में पाई जाने वाली ऐसी संस्कृति है जिसमें बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किसी ढांचे या इमारत को बनाने में होता था। यूरोप में इस तरह के 35,000 से भी ज़्यादा ढांचे मिले हैं। इन ढांचों में ज़्यादातर या तो घर के होते थे या फिर कब्र के, या फिर इनका उपयोग किसी धार्मिक कार्य के लिए होता था। भारत में वैसे तो ये लगभग हर राज्य में मिले हैं, लेकिन इनकी संख्या दक्षिण भारत और कश्मीर के क्षेत्र में ज़्यादा है। क्या आपको भारत के कुछ महापाषाण संस्कृति से जुड़े स्थलों के नाम पता हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। सूरत निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू, शिप्रा, ताप्ती, सावित्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है ताप्ती नदी। हीरों और टेक्सटाइल्स के लिए जाने जाने वाला सूरत गुजरात का दूसरा और भारत का आठवां सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक स्टडी के अनुसार सूरत 2019 से 2035 के बीच दुनिया का सबसे तेज बढ़ने वाला शहर होगा। सूरत ताप्ती नदी के पश्चिम में पड़ता है। ताप्ती नदी को तापी भी बोला जाता है। 700 किलोमीटर लंबी ये नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। क्या आपको पता है कि ताप्ती नदी अरब सागर में किस खाड़ी में गिरती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। सर्वेश्वरवाद निम्न में से किस समुदाय का दर्शन था? भक्ति, चिश्ती, नकशबंदी, सुहरावर्दी। इस प्रश्न का सही उत्तर है चिश्ती। सर्वेश्वरवाद का मानना है कि वास्तविकता और भगवान दोनों एक ही होते हैं। इसका साधारण भाषा में मतलब है कि भगवान हर चीज़ में मौजूद हैं। सर्वेश्वरवादी लोगों का मानना होता है कि भगवान किसी आदमी या किसी अन्य जीव की तरह नहीं दिखते हैं। वैसे तो सर्वेश्वरवाद का दर्शन हजारों साल पुराना है और ये लगभग हर धर्म में मिल जाता है, लेकिन इस्लाम में यह हमें चिश्ती समुदाय में ही देखने को मिलता है। क्या आपको पता है कि भक्ति आंदोलन का समय काल क्या था? कमेंट बॉक्स में बताएं। पर्यावरण के संदर्भ में 2 फरवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, विश्व महासागर दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। इस प्रश्न का उत्तर है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 2 फरवरी 1971 में विश्व के अनेक पर्यावरणविदों की ईरान के रामसर शहर में बैठक हुई। इस बैठक में इन लोगों ने विश्व में मौजूद तमाम आर्द्र भूमियों या वेटलैंड के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड कहा गया। बाद में इस संधि को याद करने और दुनिया में लोगों के बीच आर्द्र भूमियों के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 फरवरी के दिन को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्या आपको पता है कि भारत में रामसर संधि के अंतर्गत कुल कितने वेटलैंड आते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाली पहली धातु निम्न में से कौन सी थी? एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, चांदी। इस प्रश्न का उत्तर है तांबा। तांबा मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु थी। इसका सबसे पहला प्रमाण हमें इराक से मिले एक पेंडेंट से मिलता है जो करीब 8,700 ईसा पूर्व का है। इसके बाद करीब 5,000 सालों तक मनुष्य ने केवल तांबे का प्रयोग ही किया। इसके बाद करीब 4,000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सोने की खोज की और उसका प्रयोग करना सीखा। 3,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य ने चांदी और लेड धातुओं का भी पता लगा लिया था। क्या आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग होने वाली सबसे प्रमुख धातु कौन सी थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। दुनिया में लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन सा देश है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत। इस प्रश्न का उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। दुनिया में सबसे ज्यादा लौह अयस्क के भंडार ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील में पाए जाते हैं। दुनिया में लौह अयस्क उत्पादन के मामले में ये दोनों देश अग्रणी हैं। लेकिन ये देश लौह अयस्क का ज़्यादा निर्यात करते हैं और स्टील का उत्पादन उतना नहीं करते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा स्टील उत्पादन के मामले में चीन नंबर एक पर आता है। चीन के बाद भारत, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और रूस आते हैं।
क्या आपको पता है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा लौह अयस्क पैदा करता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। दिल्ली सल्तनत के निम्न में से किस सुल्तान ने उलेमाओं को अन्य सरकारी मुलाजिमों की तरह भर्ती किया? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। इस प्रश्न का उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। मध्यकालीन इतिहास में दुनिया भर में राजकाज चलने में धर्म का बहुत ही खास स्थान रहा। भारत में भी सल्तनत काल के दौरान और उसके बाद भी उलेमा का काफ़ी खास स्थान रहा है। अपने इसी स्थान की वजह से इन लोगों ने राजनीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। मगर मोहम्मद बिन तुगलक ने इन लोगों का प्रभाव कम करने के लिए इनको किसी भी अन्य सरकारी मुलाजिम की तरह भर्ती किया और इनका प्रभाव केवल धार्मिक कार्यों तक ही सीमित रखा। क्या आपको पता है कि धर्म और राजनीति को अलग करने की बात कहने वाला दार्शनिक कौन था? कमेंट बॉक्स में बताएं। नासिक निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? ब्राह्मणी, गंगा, गिरना या गोदावरी? इस प्रश्न का उत्तर है गोदावरी नदी। अपने अंगूर के बागानों के लिए मशहूर नासिक भारत की 90% वाइन को पैदा करने के लिए जाना जाता है। ये उन चार जगहों में से एक है जहां पर 12 सालों में महाकुंभ होता है। महाराष्ट्र का चौथा सबसे बड़ा शहर नासिक गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। क्या आपको पता है कि गोदावरी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं।